पारित प्रस्ताव के बाद मैं यहां पहुंचा और इस समर्थन के साथ आपके साथ हूं कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, यदि ये संघर्ष आपका आगे बढ़ता है और अभी भी शासन नींद से नहीं जागता है तो हम सड़क पर उतरकर भी आपका समर्थन करेंगे और इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। आप आगे बढ़िए, आप न्याय पार्टी का पूरा तंत्र माननीय अतुल प्रधान जी के साथ खड़ा हुआ है। इस कठिनाई और संघर्ष के अवसर पर हम आपसे कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का समर्थन व्यक्त कर चुके हैं। जहां यदि इसमें खून पसीने की बात होगी तो यदि आप महानगर के नर्सिंग होम में इलाज के नाम पर लूट का आरोप लगाते हुए आमरण अनशन पर बैठे अतुल प्रधान का आज दूसरा दिन है। वो दूसरे दिन भी कलेक्ट्रेट के धरना स्थल पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका समर्थन करने के लिए तमाम संगठनों के कार्यकर्ता पदाधिकारी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आज पूरे दिन धरना स्थल पर जहां आमरण अनशन चल रहा है वहां लोगों का आना जाना रहा। प्रशासन की ओर से अतुल प्रधान पर वार्ता का भी प्रस्ताव भेजा गया था, इसकी जानकारी अतुल प्रधान ने दी। उन्होंने बताया कि वार्ता किस आधार पर की जाए। कैमरामैन विवेक के साथ कलेक्ट्रेट के धरना स्थल से मैं शेखर शर्मा, जनवाणी न्यूज मेरठ।